नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज 24 और हम बात करने जा रहे हैं बिहार के छपरा की बेटी अनिशा कुमारी से, जो कि 2019 में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। और खास बात यह है कि 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस पर यह पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंदौर जाने वाली है। आइए हम बात करते हैं अनिशा से। अनिशा, सबसे पहले आपको बधाई कि आप बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंदौर जा रही हैं। थैंक यू। क्या कार्यक्रम है? हाँ, वहाँ पे कार्यक्रम 8 को है, यूथ प्रवासी दिवस। इसमें स्पेशली यूथ को, यानी हम लोगों को, एनएसएस अवार्डी लोगों को और यूथ अवार्डी लोगों को इनवाइट किया गया, बुलाया गया है। वहाँ पे सेशन का है जिसमें वहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान, अनुराग ठाकुर विशेष रूप से उस प्रोग्राम का नेतृत्व करेंगे। ये बताइए कि आपको मतलब इसमें रुचि कैसे जगी? एनएसएस की एक अच्छी कैडर रही है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, सामाजिक वर्क में भी आप लगातार जुड़ी रहती हैं जी, तो बिहार का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती। और मेरे जब से मैंने जगदम्ब कॉलेज ज्वाइन किया और अपने सीनियर एनएसएस वॉलेंटियर्स को देखा ये सब करते हुए, उसी टाइम से मेरे इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया कि मुझे करना चाहिए। और आज देखिए कि एनएसएस में अभी तो मैं सीनियर हो गई हूँ अवार्डी, लेकिन तभी भी मैं लगातार सोशल वर्क खुद के स्तर पर करती आ रही हूँ। आपके द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 44 नंबर ढाला के पास एक प्राइमरी स्कूल के बगल में पीपल के पेड़ के नीचे मैं पिछले 5 सालों से, ये 6ठा साल चल रहा है, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते आ रही हूँ लगातार। चलिए, ये जो 17वां प्रवासी दिवस युवा मनाया जा रहा है जी, इसके विषय में आप संक्षिप्त परिचय दे। प्रवासी 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस जो 8 से 10 जनवरी मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन में आयोजित किया गया है, जिसमें पहले दिन में बता ही दी यूथ प्रवासी दिवस है जो स्पेशली हम लोग के लिए। दूसरे दिन जिस दिन मई 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस, जिसमें मोदी जी आएंगे स्पेशली और गुआना के राष्ट्रपति आएंगे, मतलब 19 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और बहुत सारे एम्बेसडर आ रहे हैं 30 को, मतलब बहुत सारे लोग उसमें मेन शामिल हो रहे हैं। और फिर 10 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी वहाँ आएंगे। तो ये बताइए कि एक साथ आपको वहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य देशों के भी प्रधानमंत्री और जो विशेष लोग आ रहे हैं, एम्बेसडर लोग आ रहे हैं, उनसे मिलने की क्या इच्छा रही और कैसा आपको अनुभव रहा अभी? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी ये मैं जितना बता रही हूँ इस सोशल, मतलब जितना हमें जानकारी दिए गए है, अभी पता नहीं वहाँ जाने के बाद 7 को मैं वहाँ पे पहुँचना है। और हम लोग का प्रोग्राम स्पेशली 8 पे स्पेशल यूथ प्रवासी दिवस है, तो हमारे लिए 8 सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी क्या क्या होगी तो सिर्फ बताया गया, अभी वहाँ जाने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल्चरल इवेंट में भी है, मैं आपको बताना चाहूँगी कल्चरल इवेंट में भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जो आप अभी कथक में देखते आ रहे हैं, मुझे पूरी आशा है कि वहां पे कथक प्रेजेंट करने का भी मौका मिलेगा। जी, एक परिचय और भी दे दे कि अनिशा जी एक अच्छी कथक डांसर भी हैं और वहां पे इनका शायद आपका परफॉर्मेंस भी होना है क्या? अभी तो कंफर्म है, जैसा कि बोली कि अभी बहुत सारा सरप्राइजेस खुलना बाकी है, लेकिन कल्चरल इवेंट है जो वहां के स्पेशली मध्य प्रदेश के भी रिप्रेजेंट करेंगे और हमें जो इंडिया के कल्चर जो दूर से उनको भी प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो मुझे पूरी आशा, मैं चाहूंगी भी कि मैं छपरा से निकल वहाँ इंटरनेशनल, क्योंकि वो ग्लोबल सबमिट है, क्योंकि पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, वहाँ मैं अपना कथक जरूर प्रेजेंट करूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई।